टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर भारी जुर्माने वाले बनाए गए कमर तोड़ कानून को भले ही सीएम योगी ने यूपी में लागू न होने दिया हो, लेकिन अगर आप बुलंदशहर में रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ आपके यातायात नियम की अनदेखी करने पर आपके हाथ में हजारों की मोटी रकम के भारी जुर्माने के चालान रसीद थमाई जा सकती है। चौंकिए मत, क्योंकि बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर परिसर में हाथ में एक्टिवा के कागजात और यातायात चालान रसीद लिए खड़े जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम दिनेश कुमार है और उसके हाथ में जो चालान रसीद है उस पर कुल 8000 जुर्माना है। पीड़ित का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो बिना हेलमेट के बुलंदशहर में एक्टिवा चला रहा था। दरअसल बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस गुहार लेकर पहुंचे पीड़ित दिनेश का आरोप है कि बुलंदशहर एआरटी प्रवर्तन आनंद निर्मल की टीम द्वारा पीड़ित को उस वक्त रोका गया जब वो बिना हेलमेट एक्टिवा पर सवार होकर बुलंदशहर कला आम चौराहे की ओर से गुजर रहा था। आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा युवक को रुकने का इशारा किया गया और युवक की एक्टिवा रोके जाने के बाद पीड़ित को एआरटीओ साहब की तरफ जाने का इशारा किया गया। पीड़ित एआरटीओ साहब के पास पहुंचा। हेलमेट न लगा होने पर एआरटीओ साहब ने बाकी कोई कागजात देखना ही मुनासिब नहीं समझा। मामला ये है सर, मैं कल दोपहर करीब 2 बजे बाजार से दवाई लेने गया था, तो रास्ते में वापस जैसे मैं लौट रहा था कालेआम की तरफ से, तो कालेआम पर एआरटीओ की टीम खड़ी हुई थी। एआरटीओ की टीम ने मुझे रुकने का इशारा किया तो मैं रुक के स्कूटी मैंने अपनी साइड में लगा दी। उसके बाद मुझे एआरटीओ निर्मल आनंद निर्मल जी ने बुला लिया, तो बोले मुझसे कि आप जो है गाड़ी के कागज और हेलमेट के बारे में पूछताछ की मुझसे। मैं बोला सर हेलमेट तो मेरे पास में है नहीं, गाड़ी के सारे कागज जितने भी सर्टिफिकेट हैं सारे मेरे पास में मौजूद है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। बोले नहीं रहने दीजिए, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी देर में चालान मेरे हाथ में काट के 8000 रुपये का चालान दे दिया। मुझे पता नहीं था कि 8000 रुपये का चालान काटा है, मैं चालान लेके घर चला गया। घर जाके मैंने देखा तो उस पर 8000 रुपये का चालान था। फिर मैं तुरंत ही वहाँ से देख के मैंने कहा ये तो गलत चालान काट के दे दिया। मैं तुरंत वापस कालाम पहुँचा एआरटीओ के पास में, लेकिन एआरटीओ तब तक जा चुके थे। सर मुझे आप ये बताइए कि ये एआरटीओ साहब जो है कानून से ऊपर है क्या? जिसने कानून संविधान बनाया है वो आदमी भी इतने अधिकार लिए हुए नहीं है जितने अधिकार ये एआरटीओ, क्या इनसे जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? ड्यूटी का क्या कर्तव्य है इनको, इनका क्या कर्तव्य होता है? आपने कुछ कंप्लेंट करी? मैंने अभी कंप्लेंट, अभी मैं डीएम साहब के यहाँ और एसएसपी साहब के यहाँ आया हुआ हूँ इसकी शिकायत करने के लिए। बिना हेलमेट के 8000 रुपये का चालान, क्या कुछ क्या इंसाफ है? आपने एविडेंस दिखाए थे और जो एविडेंस मैंने बहुत सर रिक्वेस्ट की थी उनसे, मैंने कहा सर देख लीजिए एविडेंस मेरे पास में सारे मौजूद हैं, सारे हैं कंप्लीट। बोले कि नहीं एविडेंस देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए घर जाइए। लेकिन अब देख रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेट दिखाया नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो भी असल में ऐसा वो कुछ भी लिख सकते हैं ना, उनके हाथ थोड़ी पकड़ रहे किसी ने, भैया उनके हाथ में पेन है, उनके पावर है, पावर में कुछ भी लिख सकते हैं वो। समस्या तो ये है ना, अब कानून कार्रवाई, एक आम आदमी गलती करता है उसके लिए सजा भी है और चार्ज भी है, जुर्माना भी है, लेकिन जो एक सरकारी अधिकारी गलती करता है उसके लिए कानून या कोई जो है जुर्माना सजा नहीं होती है उसके। अगर पीड़ित दिनेश की माने तो पीड़ित का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बिना हेलमेट एक्टिवा पर सवार था। आरोप है कि पीड़ित के पास सभी कागजात मौके पर होने के बावजूद भी एआरटीओ साहब ने पीड़ित से कोई कागजात मांगा ही नहीं। इतना ही नहीं, आरोप तो यहाँ तक कि पीड़ित कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही एआरटीओ साहब द्वारा 8000 का चालान की रसीद पीड़ित के हाथ में थमा दी गई। 8000 की मोटी रकम का चालान भरे जाने के बाद पीड़ित वाहन संबंधित सभी कागजात लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। नहीं संभव नहीं है, हेलमेट ना पहनने का 500 रुपये पहली ऑफेंस में, सेकंड ऑफेंस पर 1000 रुपये जुर्माना है। यदि उस पर और डॉक्यूमेंट नहीं है उसका ऑफेंस में लगता है, लेकिन यदि बाद में जैसे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है यदि नहीं है 2500 उसका जुर्माना है। रजिस्ट्रेशन आरसीआर यदि नहीं है 5000 है, लेकिन यदि वो बाद में दिखाता है चालान की डेट से पहले का डॉक्यूमेंट तो उसका वो जुर्माना हट जाता है, खाली जो चीज़ नहीं है उसका लगेगा। तो सर जैसे एक बंदा कह रहा है कि मेरे पे 8000 का जुर्माना हुआ, जो रसीद घर जाके देखी है बाद में, और हेलमेट नहीं था। एक कह रहा है कि मेरे पे 10000 हुआ, तो ये किस कंडीशन में? डॉक्यूमेंट्स का सर, ये डॉक्यूमेंट का नहीं था जो प्रस्तुत मौके पर नहीं कर पाए, लेकिन यदि ये डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कार्य में आके तो जो खाली हेलमेट का है 500 वो लगेगा, या जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका लगेगा, जो डॉक्यूमेंट उसका हट जाता है। हालांकि एआरटीओ प्रवर्तन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा मौके पर वाहन संबंधित कोई कागजात दिखाया नहीं गया था, जिसके चलते 8000 का चालान किया गया। चालान की डेट से पहले के कागजात दिखाने पर जुर्माना कम कर दिया जाएगा। एआरटीओ की ओर से भले ही मौके पर कागजात न दिखाए जाने की बात कही जा रही हो, लेकिन बुलंदशहर में हेलमेट न लगे होने पर 8000 का चालान चर्चा का विषय बना हुआ है।
खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि वाहन संबंधित कागजात लेकर इंसाफ के लिए भटक रहे दिनेश को हेलमेट ना लगाने का आखिर कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।